जदों इतिहास के पन्नियां ते नज़र मारदे हाँ तो कोई अजिहा सूरबीर योद्धा नहीं है जिसने अफगान फौजां नूं मात दित्ती होवे। अज भी देखदे हाँ कि दुनिया की वड्डी ताकत मन्ने जांदे देश भी अफगानिस्तान तो मूँह मोड़ चुके ने, पर खालसा राज काबल कंधार तक फैलिया होया सी। अफगाना नूं महाराजा रणजीत सिंह दे एक जरनैल ने थर थर कंबल ला दिता। यह महान जरनैल सी सरदार हरी सिंह नलुआ, जिन्हां ने अपनी बहादुरी दे नाल अफगानी पठाणा दे पासों अपनी सूरबीरता दा लोहा मनवा लिया। सरदार हरी सिंह नलुआ दा जन्म सरदार गुरदयाल सिंह दे घर माता धर्म कौर दी कुख तों 1791 ईस्वी विच पिंड गुजरांवाला विखे होया। नलुआ जी जिथे शस्त्र कला विच निपुण सन, उत्थे ही 10 ग्रंथां दी ज्ञाता भी सन। इस तों इलावा वख-वख भाषावां विच भी आप जी नूं निपुणता हासिल सी। महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरी सिंह नलुआ नूं महज 15 साल की उम्र विच अपना निजी सुरक्षा कर्मी नियुक्त किया सी, जिसका कारण सी हरी सिंह नलुआ की शस्त्र कला। कसूर, पिशावर, मुल्तान आदि दियां वड्डियां जंगां विच सरदार हरी सिंह नलुआ ने अपनी बहादुरी का अजिहा सिक्का कायम किया कि वैरी भी आप जी का नाम सुन के थर थर कंबल लग जाते। जे कोई सिख तारीफ करे तो कई बार असी दोष ला सकते हाँ कि यह तारीफ झूठी भी हो सकती है, पर मौलाना अहमद दीन अपनी पुस्तक मुकम्मल तारीख कश्मीर विच सरदार हरी सिंह नलुआ बारे लिखते हैं कि नलुआ की वजह तस्मिया के मुतलक मशहूर है कि राजा नल जमाना कदीम में एक बहादुर और सुजात राजा था। लोगों ने हरी सिंह को नल से नलवा बना दिया। नलवा से मुराद शेर को मारने वाला या शेर अफगान। क्योंकि हरी सिंह नलुआ ने भी शेर मारे थे, इसीलिए उसका नाम नलवा मशहूर हुआ। सो इस तरह सरदार हरी सिंह नलुआ की बहादुरी का लोहा सब मानते सन। महाराजा रणजीत सिंह जी के समय हमेशा ही आप ढाल बन के खड़े रहे। आप जी के होंदया कदी भी महाराजे नूं सर नहीं किया जा सकिया। 28 अप्रैल 1837 ईस्वी नूं अफगाना ने जमरौद दे किले ते हमला कर दिता। अफगाना दी गिनती बहुत ज़्यादा सी। दूजे दिन शाम होण तक अफगान फौजां किले नूं घेरा पाउण विच कामयाब हो गईयां। सरदार महा सिंह जी ने हरी सिंह नलुआ नूं चिट्ठी लिख के सहायता मंगी। उस समय हरी सिंह नलुआ दी सेहत ठीक नहीं सी। उन्हां लिखिया, जी नहीं सी चाहुंदा कि आप जी नूं बीमारी दी हालत विच इस आपदा विखे अपने नाल रलाया जावे। असी इस गल तों चंगी तरह जाणू हाँ कि पिशावर विच फौज बहुत ही घट है अते लाहौरों हुण पहुँच नहीं सकती, पर किले दे खालसे दा ये फैसला है कि अज दे हाल आप जी तक पहुँचाए जान। फतेहगढ़ों दी बाहरली फसील दा बहुत सारा हिस्सा दरवाजे दे लाग्यों अज शाम नूं वैरी दियां तोपां दे गोलियां दी मार नाल डिग पिया सी, जिस नूं किले दा खालसा इस वक्त बड़ी हिम्मत दलेरी अते चढ़दियां कलां विच रेत भरियां बोरियां नाल पूर रहा है। आशा है कि रात ये खप्पा ठीक हो जाएगा। अज उस समय सतगुरु ने खालसे दी पैज रख ली कि वैरी फसील दे डिगदियां सार किले पर धावा करन दा हिया ना कर सकिया, नहीं तो शायद ये अंतम संदेशा भी आप जी की सेवा विच भेटा नहीं हो सकता सी। प्रतीत हो रहा है कि सवेर सार अफगाना ने किले पर हल्ला करना है अते खालसे दा ते आप दा अति प्यारा फतेहगढ़ जमीन नाल मिला दिता जाना है। पर आप ये गल सुन के अति प्रसन्न होवोगे कि आपने जिन्ना जवाना पर भरोसा करके इस किले की इज्जत उन्हां दे हथ सौंपी सी, उन्हां विचों एक भी ऐसा नहीं निकलिया जिसने कौम की इज्जत के टाकरे पर अपनी जान नूं वधेरे प्यारा समझा होवे। इस समय फटड़ां ते बीमारां तो छुट 700 दा टिकाणा सूरमे किले विच हन। अज इन्हां सारिआं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच प्राण किया है कि जद तीक साडियां रगां विच लहू का छेकड़ला तुपका बाकी है, खालसाई झंडे की कोई बेइज्जती नहीं कर सकेगा। इस तों पिछों शायद साडे वल्लों आप नूं कोई खत ना पहुँच सकेगा। हुण किले दे सरबत खालसा वल्लों सत्कार परे दिल दे नाल अंतम श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह प्रवान होवे। आप दा निवाजिया महा सिंह अते फतेहगढ़ दा समूह खालसा। मिति 17 वैसाख, संमत बिक्रमी 1894। ये पत्र हरी सिंह नलुआ नूं 30 अप्रैल वाले दिन सवेर वेले मिलिया।
उस वक्त सेहत ठीक ना होने के कारण हकीमा वालों जरनैल नूं आराम करने लिए कहा गया सी। पर यह पत्र मिलदिया ही आप जी ने खालसा फौज समेत तीन पासियां तो अफगाना ते हमला कर दिता। हरी सिंह नलुआ की अगवाई विच कीता गया यह हमला इन्ना जोशीला सी कि अफगाना दे पैरां थलों जमीन निकल गई। खालसा फौज ने अफगाना नूं मैदाने जंग छड के भजन लई मजबूर कर दिता। पर जदों अफगान मैदान विचों दौड़ रहे सन तां सरदार निदान सिंह ने उन्हां नूं सबक सिखाउण दे लई अपने 1400 साथी नाल लैके पिछा कीता ते दर्रे दे अंदर चले गए। ये देख के सरदार हरी सिंह नलुआ भी अपने साथी की मदद ले गए, पर उत्थे दर्रे विच पहला ही कुछ अफगान छुपे बैठे सन जिन्हां लुक के सरदार हरी सिंह नलुआ ते गोलियां चला दित्तियां। अफगाना की यह हरकत देख के खालसे ने उत्थे मौत का तांडव मचा दिता। उधर सरदार हरी सिंह नलुआ अपने घोड़े समेत वापस किले के अंदर आ गए। हरी सिंह नलुआ के फट्टा विचों बहुत ज़्यादा खून वह चुका सी। भावें हकीमा वालों इलाज किया गया पर उस समय तक देर हो चुकी सी ते ए बहादुर जरनैल सदा लई खालसा फौज नूं छड़ के चला गया। इस अदुत्ती जरनैल की शहादत समय महाराजे ने अथरू केरदियां कहा, मैनू अज सिख राज दा थम डिगन दा अहसास होया है। कलगीधर पातशाह दे इस महान योधे की कुरबानी का जिक्र अज भी बड़े माण दे नाल कीता जांदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।